मैं कह रहा हूँ मैंने आपकी गाड़ी बुक करा दी। अच्छा कौन सी? अभी यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, एक एक्सेंट है, फिर एक यहाँ पे थार आएगी, एक वो गाड़ी आएगी जो बुक करा रखी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो भाई सुबह सुबह ना मेरे पे अत्याचार हो रहा है, ये चाय बनवाई जा रही है मेरे से, और वो भी एक कप, और वो भी सिब्बू अपने लिए बनवा रही है, कह रही है डेली मैं चाय बना के पिलाती हूँ सबको, आज मेरे को एक कप चाय बना के पिलाओ। मैंने तेरी चाय बना दी है, अगर बाई चांस सही नहीं बनी तो उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं। क्या बताया था? कुछ कैसे नहीं बनानी है, मैंने बना दी अपनी साइड से, अब जैसी बनेगी बन जाएगी, मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग, सही बन गई नहीं बन गई भाई। देख मैंने जैसी बनाई कम से कम बना तो रहा हूँ, मैं भी जैसी बनाती हूँ कम से कम डेली बनाती तो हूँ। चलो कोई नहीं, पर मैं टेस्टी बनाती हूँ, मैं भी टेस्टी बनाऊंगा, कोई नहीं जैसी बनेगी ले लियो, अब मुझे नहीं पता उसके बाद। तो गाइस ये चाय बन गई है, ले टेस्ट करके बताइयो कैसी है, मेरे को आइडिया नहीं था ना, मेरे को छान के दे दी ना मुझे, उसमें थी भी नहीं, वो पतीला भी धोया मैंने, वही धोया धोया है पतीला वही वाला धोया, हाँ, और मेरे को आइडिया नहीं था ना, पहले मैं देखूंगी तुमने बनाई कैसे है, मैं ऐसे ही नहीं। ए दिमाग मत खा, चुपचाप पी ले, इसमें अभी देख एक ही ताजा चाय बनी है, वरना तो निशान नहीं हुआ मिलते इधर उधर सारे के। और देख इसमें पत्ती भी पड़ी हुई जो धोई थी मैंने, देख चीनी भी देख के ली थी। क्या दिमाग खराब करे, टेस्ट करके बताना कैसी है, टेस्ट कैसा है? सही है। चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, बाकी काम अब से तुम ही बनाओगे डेली, ऐसा कुछ सीन नहीं है, दिमाग मत खराब कर मेरा। तो अच्छी चल, अच्छी नहीं है, बेकार है, बहुत बेकार है, वही है उबली उबाल के दे दी, वही पुरानी वाली, चेक कर लिया मैंने। अरे रंदे, चल बेकार, इसमें नाली का पानी यूज किया मैंने, और अब तो तुम ही बनाओगे कुछ भी कह लो, मैं नहीं बनाऊंगा भाई। तो गाइज अभी पहले मैं कटिंग करवाने जा रहा हूँ, उसके बाद नहा के और फिर मम्मी के लिए गाड़ी बुक करवा के आऊंगा, टाटा के शोरूम में चलते हैं और गाड़ी बुक करवा देते हैं मम्मी के लिए। आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा था ना कि मम्मी को भी गाड़ी गिफ्ट करनी है, तो आज फाइनली करवाई देता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी तो आ गई है XUV700, तो मम्मी को भी अब गिफ्ट कर देते हैं, थोड़ी वेटिंग है उस पे, लेकिन आज मैं बुक करवा दूंगा, थोड़े बहुत टाइम बाद जब भी वेटिंग खत्म हो जाएगी और गाड़ी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मम्मी को मिल जाएगी गाड़ी। तो गाइस बाल कटवाने भी मैं अपनी XUV700 से जाऊंगा, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मेरा मन करता है जहां भी जाऊं यही गाड़ी लेके जाऊं बस। तो चलो भाई चलते हैं बाल कटवाने, गाड़ी की क्लीनिंग नहीं हुई क्योंकि आज गाड़ी क्लीन करने वाला आया नहीं, आज छुट्टी थी उनकी, तो कल से गाड़ी डेली क्लीन होया करेगी अंदर से भी बाहर से भी। भाई ये जो इसकी लाइट्स है ना भाई, बहुत प्यारी है, ये देखो इतनी प्यारी लाइट्स है ना इसकी, बस मज़ा आ जाता है देख के। और भाई इसका एक फीचर बहुत मस्त है, अब देखो जैसे गाड़ी बंद है, ठीक है गाड़ी बंद है, ये मैंने वैसे गेट खोल दिया दिखाने के लिए, ये देखो यहाँ से गाड़ी बंद है और सनरूफ भी बंद है और ये वाला शीशा भी बंद है, अब बस मेरे को ये वाला लॉन्ग प्रेस करना है, ये देखो ये शीशा डाउन हो गया, वहाँ से सनरूफ भी खुल गई और यहाँ से देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, एसी भी ऑन हो चुका है, तो मतलब ये वाला शीशा डाउन हो गया, सनरूफ भी खुल गई पूरी और एसी भी स्टार्ट हो गया, तो ये इसलिए दिया गया ये वाला फीचर, जैसे भाई गाड़ी गर्मी में खड़ी हुई है, गाड़ी गर्म हो गई खड़ी खड़ी, तो बस कुछ नहीं करना, लॉन्ग प्रेस करना है की को और ये शीशा खुल जाएगा, सनरूफ खुल जाएगी, एसी चल जाएगा, जिससे क्या होगा थोड़ी देर के लिए अगर ये हम चला के छोड़ देंगे तो गाड़ी की हीट निकल जाएगी, जैसे आपको कहीं जानना है गाड़ी गर्मी में खड़ी है, 5 मिनट पहले ये कर दो बस लॉन्ग प्रेस, उसके बाद आपकी गाड़ी जब ठंडी हो जाए, जब अपना जाके बैठ जाओ और जहाँ जाना है वहाँ निकल जाओ। एक्सयूवी के अंदर फीचर्स ही फीचर्स हैं, क्या बोलते हो एक फुल वीडियो बनाई जाए रिव्यू के ऊपर एक्सयूवी के, मतलब इसमें सारे फीचर्स को कवर किया जाए, क्या क्या फीचर्स है एक्सयूवी के अंदर, एक बार कमेंट करके बता दो अगर आप इंटरेस्टेड हो XUV700 की रिव्यू वीडियो बनाऊं मैं कंप्लीट, जिसमें इसके सब कुछ बताऊं इसके बारे में, तो फिर वो वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर। तो गाइस कटिंग मैंने करवा लिया है, अभी वापस से एक बार ऑफिस जाता हूं, उसके बाद जाऊंगा मम्मी के लिए गाड़ी बुक कराने के लिए। तो गाइस कटिंग और शेव करवा के मैं वापस आ गया हूं, और आने के बाद थोड़ी ट्रिमिंग खुद से भी करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सैलून में ना कुछ कमी रह गई, तो उसके बाद थोड़ी बहुत ट्रिमिंग खुद भी आके करी यहाँ नीचे से साइड से, तो अभी नहा धो के निकलता हूँ जल्दी से और फिर उसके बाद टाटा के शोरूम जाऊंगा डायरेक्ट और मम्मी के लिए जाके गाड़ी बुक करा दूंगा। तो भाई मैं नहा लिया हूँ, फटाफट से रेडी हो जाता हूँ फिर निकलते हैं, और भाई ये वाली टी शर्ट डालूंगा आज जो कल सिब्बू ने जरा से दिलवाई थी, तो देखते हैं कैसी लगेगी ये मेरे ऊपर। तो गाइस मैं फाइनल रेडी हो गया हूँ, और ये देखो भाई ये मैंने पिंक वाली टी शर्ट डाली है जो कल ली थी, तो बताओ भाई ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर, मेरे को तो पसंद आ रही है यार, मेरे को तो अच्छी लग रही है, तो आप लोग ही बताओ कैसी लग रही है ये। तो अभी बिना किसी देरी के फटाफट से निकलते हैं टाटा के शोरूम के लिए, चलो भाई, चलो गाइस मैं जा रहा हूँ, बाय सिब्बू, बाय बाय, जल्दी आना।
हाँ इंस्टा बाय, इंस्टा बहुत लालची है, अभी सिब्बू खाना देने जा रही है ना तो सारी बाय वगैरह सब भूल गया, कह रहा खाना खाऊंगा। इंस्टा को तुम कुत्ता बोलते हो ना इसलिए। मैं कुत्ता का बोलता हूँ, इंस्टा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इंस्टा, इंस्टा एक कुत्ता है, इंस्टा इज अ डॉग, इंस्टा इज अ इंस्टा, इंस्टा इज अ डॉग। इंस्टा को मैं बच्चे की तरह प्यार करती हूँ, उसको मत बोला करो कुत्ता कुत्ता। मैं कुछ नहीं बोलता, बकवास मत कर मेरे साथ, और मैं जा रहा हूँ, चल बाय बाय। तो भाई चलो निकलते हैं, और भाई XUV 700 में ये 360 कैमरा बहुत मस्त है भाई, और इसमें बैक कैमरा फ्रंट कैमरा सब है। ये भाई पूरा वाइड हो गया, ठीक है, ये फ्रंट कैमरा है, ये लेफ्ट का कैमरा है, ये राइट का कैमरा है, और ये देखो ये पीछे का व्यू है ऊपर की साइड से, और ये आगे का व्यू है ऊपर की साइड से, और ये भाई पूरा 3D व्यू है देखो। तो भाई काफी अच्छी गाड़ी है, मजा आता है चलाने में और हर चीज में। तो चलो अभी निकलते, और ये एक और बढ़िया फीचर है देखो, पीछे जो केबल दे रखी है ना, ये वाली केबल, ये दे रखी है सी टाइप, तो इसमें डायरेक्ट आईफोन ऐसे ही लग जाता है। और यहाँ पे मैंने अपनी आई वॉच भी चार्ज लगा दी है। तो भाई टाटा का शोरूम यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, मेरे को वहाँ जाने में लगेंगी ऑलमोस्ट 10 मिनट, उसके बाद मम्मी की गाड़ी बुक करवा देता हूँ, और उसके बाद बुक करवा के गाड़ी को, उसके बाद मैं घर निकलता हूँ। घर निकलवाने के बाद सबसे पहले तो अपनी नजर उतरवाऊंगा जाके, ठीक है, ये जो बीमार हो रहा हूँ ना मैं थोड़ा थोड़ा, ये सही हो जाएगा, फिर मम्मी को बोलूंगा मेरी बात कर दे, नजर उतार दे, तो सही रहेगा उससे। तो गाइस मैं टाटा के शोरूम पहुंच गया हूँ, ये देखो सामने सारी गाड़ियाँ खड़ी है टाटा की, अभी चल के बुक करा देते हैं मम्मी के लिए टाटा। नंबर मेरे को गाड़ी का वही चाहिए 7111, जो इसका है XUV 700 का, मिल जाएगा ना ये, कुछ तो पड़ेगा क्योंकि ये किस चॉइस आप मांग रहे हो ना, एक बार देख लो उसकी अवेलेबिलिटी चेक करा लो। तो भाई ये अपनी गाड़ी की बुकिंग हो रही है, टाटा टिगोर टॉप मॉडल। तो गाइस अपनी टाटा टिगोर बुक हो चुकी है, अभी रिसिप्ट लेने गए हैं वो भाई साहब, रिसिप्ट लाके मेरे को बुकिंग की रिसिप्ट दे देंगे, और फिर जैसे ही मम्मी की गाड़ी आएगी मम्मी को सरप्राइज देंगे। तो भाई हमारी गाड़ी बुक हो गई है फाइनल, और ये रिसिप्ट क्या क्या डाला इसमें आपने? इसके अंदर पेमेंट फिट है, आपका बुकिंग फोन है। अच्छा गाड़ी आ जाएगी जल्दी, कोशिश करेंगे जल्दी गाड़ी देने की भैया, करना थोड़ी सी कोशिश, मम्मी को बहुत टाइम से बोल रखा है गिफ्ट करने के लिए, जितना हो आप करा देना, ठीक है। तो चलो भाई अभी गाड़ी बुक हो गई अपनी, अभी चलते हैं, अभी घर जाना है पहले, उसके बाद फिर एक दो जगह और जाना है, तो पहले घर चलते हैं। तो भाई ये बुकिंग जो भी करवाई है ये जाके मम्मी को दे दूंगा, उसके बाद जो है ना मम्मी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगी कि हाँ भाई बुकिंग हो चुकी है गाड़ी की, अब बस गाड़ी के आने का इंतजार है, फिर जल्दी गाड़ी भी आ जाएगी और फिर डिलीवरी वाले दिन मजा आएगा। भाई अभी ये भाई मिले हैं यहाँ पे, राजीव भाई। हाँ तो ये फोटो खींचने के लिए कह रहे हैं, इन पे फोन नहीं है तो इसमें ब्लॉग में से क्लिप निकाल लेना भाई, ठीक है ठीक है चलो। हाय केशव, हाय, अभी जाम लग जाएगा भाई, ओके भाई थैंक यू। तो गाइज अभी प्लान में स्लाइटली चेंज है, गया तो मैं घर पे ही था लेकिन अभी मेरे साथ भारत बैठा हुआ है, दिखा भाई अपनी शक्ल दिखा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे थोड़ा कपड़े वगैरह खरीदने, मैं पार्टी के लिए खरीद लूंगा और भारत घर पे पहन लेंगे, ले लियो तू, तेरे को जाना ले लेंगे, दो चार अच्छा दिखा दो कुछ, तेरे को जाना वैसे कहीं आजकल में? नहीं आजकल में फिलहाल तो जाना नहीं, मेरे को मुंबई भी जाना है ना थोड़े दिन में, तो मैं कपड़े वपड़े ले लेता हूं। तो एक नई शॉप बताइए भाई, एक भाई ने, हां वहां जा रहे हैं ट्राई करने की क्या कुछ मिलता है, देखते हैं, जो पसंद आया ले लेंगे, मेरे को जो पसंद आया मैं ले लूंगा, भारत को जो पसंद आया वो ले लेगा। तो अभी चलते हैं फिर देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस है वहां पे। और ये भाई हमारी 700 में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, गैस कर लिया बहुत बार बोल चुका भाई, अभी तू 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 ये नई गाड़ी आने के बाद भारत फर्स्ट टाइम आया ना, तो अभी भारत भी वही बोलेगा देखो 700 इसमें ऑटो ब्रेकिंग है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये सारी चीज मैं आज ही बताई मैंने। ये देखो भाई अपने आप ब्रेक मार दिए गाड़ी ने भाई, ये कहीं ना कहीं अजीब भी लगता है और कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, सही है, मतलब बच जाती है ना, ठुकती बच जाती है ठुकने से। मैं डेली ना जब दिखाता हूँ भाई कहीं जा रहा हूँ, ये देखो अपनी 700 से जा रहा हूँ, और तो इसका कोई ना कोई नया फीचर बताता रहता हूँ। आज मैंने बताया जैसे अनलॉक की, अनलॉक वाली की प्रेस करके रखो, सनरूफ खुल जाएगी अपने आप, शीशा डाउन हो जाएगा और एसी चल जाएगा, कि भाई गर्मी में कहीं जाना हो तो 5 मिनट मतलब सारे फीचर समझने में ये 1 महीना लग जाएगा हमें तो। हाँ तो भाई ये टी शर्ट देखिए, मैंने बताया था इसको ये व्हाइट कलर की ले ले, ये कह रहा है ब्लैक में चाहिए यार, वो ब्लैक वाली एक बढ़िया पसंद आई है वो, नहीं ये ज्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब ये भी कर लेंगे फिर, ऐसी नहीं वो ब्लैक वाली से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नहीं व्हाइट कलर की लेंगे भाई, टी शर्ट बाकी हमें बहुत अच्छी अच्छी है, टी शर्ट मेरा फेवरेट ब्लैक कलर है, तेरा व्हाइट है, सही बात है, मेरा तो व्हाइट ही व्हाइट हो रहा है हर जगह, मतलब बंदे ये वाली सही में सही लग रही है, नहीं बढ़िया लग रही है। तो भाई कपड़े ले लिए हमने और ज्यादा कुछ नहीं, कपड़े लिए 3 टी शर्ट लिए और एक जोड़ी जूते लिए,
देखते हैं टेस्ट करके आगे कैसे हैं। बाकी शॉप ये लोकल है, कई बार लोकल जगह पे भी बहुत बढ़िया चीज मिल जाती है, जरूरी नहीं है कि शोरूम में ही बढ़िया चीज मिले। चलो शोरूम के भी लाता रहता हूँ, एक आधी बार इधर उधर से भी लेने चाहिए, पर जो चीज शोरूम में नहीं मिलती ना वो यहाँ मिलती है भाई, ये बात मान लो। ये खड़ी भाई हमारी 700, यहाँ पे मैंने बोला रजित को, मैं कह रहा रजित बाहर देखो स्क्रैच मार गया गाड़ी के, एक मिनट में बाहर देखता हुआ आया नई गाड़ी की टेंशन हो रही है भाई, स्क्रैच वगैरह तो नहीं मार गया कोई? मैं ये देखने आया था कि कितना बेवकूफ बनाएगा तू मेरे को पता है स्क्रैच ऐसे कौन मार देगा फालतू में। फालतू में नहीं, कोई गलती से तो मार ही सकता है यार, गलती तो फिर माफ होती है यार, क्या करें, फालतू में मारे तो फिर दिक्कत है। सही बात है भाई, माफ तभी होती है जब हम उसको देखे ना, लेकिन हमारे सामने मारे ना तब कुछ माफ नहीं होता। चलो ठीक है गाइस, भाई अभी घर चलते हैं, भारत के घर से भी फोन आ रहा है मेरे घर से भी, इसको घर छोड़ देता हूँ और मैं अपने घर निकलता हूँ फिर। चलो गाइस, मोमोज खाए थे रस्ते से, मोमोज बढ़िया थे भाई, और आइसक्रीम ले लिया घर के, पैक करा लिए आइसक्रीम ले लिया घर के लिए और मोमोज भी घर जा रहे हैं, थोड़ी सी ऐसे ही गाने वाने सुनते हुए आराम से। तो गाइज मैं आ गया हूँ घर पे और अभी इन लोगों का प्लान बना है मूवी देख के आने का सबका। पापा जी नमस्ते, देखो भाई मच्छर हो रखे हैं, ऐसे मच्छर तो नहीं होते, मूवी देखने जा रहे हैं, उठ लो लत्ते बदल लो, चल रहे हैं बस, अभी 11 बजने वाले हैं, 11:55 का शो है। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ और अभी मूवी देखने जा रहे हैं सारे। अच्छा मैं कह रहा था गाड़ी मैं चलाऊंगी, इसमें आते मैं तो चाबी दूंगी, ये एक्स्ट्रा की मैंने रखने के लिए दिया है जो ओरिजिनल चला लूंगी, ये वाली चाबी है इसमें छल्ला भी है छोटा सा, मैंने सीख रखी है। मैं कह रहा हूँ मैंने आपकी गाड़ी बुक करा दी। अच्छा कौन सी? टाटा। पहले तो शुक्रिया तेरा। अच्छा टाटा की टिगोर बुक करा दिया। नहीं ये पहले भी बता दी थी ना मैंने कई बार, तो सबको पता ही था। क्या पता नहीं पता होता, मत बता अभी, क्या पता टाटा टिगोर बोल के थार दिया है, क्या पता हम थार ले आए टाटा टिगोर, क्या पता मैं वहां जाके मना कर दूं कि भैया नहीं, क्या पता मैंने टाटा टिगोर ब्लॉग में बोली हो लेकिन बुक कोई और करवाई हो। ये तो है, ये तो मुझे पता था। तो गाइस हमने एक और गाड़ी बुक करा दी है, मम्मी के बर्थडे पे जो देनी थी वो वाली, वो मेरा गिफ्ट है भाई, हाँ। रचित की तरफ से है भाई, थैंक यू सो मच रचित, थैंक यू। अभी आ जाएगी वो, थोड़े दिन में वो आ जाएगी, वेटिंग पे हल्की फुल्की वेटिंग है उस पे, तो इतने एक्सेंट है घर पे, एक्सेंट से घर का काम चल रहा है सारा, पर मैं चेंज कर सकती हूँ ना, मैं कोई भी ले सकती हूँ ना। हाँ हाँ, तो अभी भाई हम लोग सारे मूवी देखने जा रहे हैं, सारे तैयार हो गए, मतलब वो जाओ जो नहीं हुए फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। मेरे ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि आपके पापा बोलते नहीं, एक ऐसे बताया था आपके पापा पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसे आया था। बताओ क्यों नहीं बोलते? बोलता हूँ, बोलते क्यों नहीं? बता भाई है, ऐसे ही है, पापा थोड़े कम बोलते हैं। चलो आज तैयार हो रही, चलो जल्दी, हम तो तैयार है, आप एक तैयार हो। बोलो कि मैं इसलिए कम बोलता हूँ, अगर मैं ज्यादा बोलता तो कमेंट थोड़ी करता कोई, ऐसे बोल दो। अरे भाई गाइस देखो ये कम बोले आपने कमेंट किया भाई, सही है तैयार होने के आराम। चलो भाई पापा स्टार्टिंग से ही कम बोलते हैं, कम बोलना भी सही है, जरूरी नहीं है ना बक बक करना हर जगह, फैमिली में हर तरह के लोग होने चाहिए। हाँ मैं ना बोलने वाले देख, एक तो मैं हो गया, मतलब हाँ। मैं सारी चीजें कर लेता हूँ, मम्मी बोल लेती है, वो स्वाति कभी कभार बोलती है, ये रो लेती है, तो सब अपना अपना काम कर लेते हैं, एक रोतड़ा है, एक चिड़ोकली है, वो खिलसती रहती है सारा दिन चीनों से, मारती रहती है। ऐसा नहीं है, क्या है पहले लड़ेगी उल्टी बोलेगी, फिर अब वो थोड़ा बहुत तो डांटेगी ना, अभी भी फिर हम बात का मुक्का मारा, मैंने बस स्नैपचैट से तो चलो गाइस ये तो चलता रहेगा, अभी मूवी देखने के लिए निकलते हैं फिर। तो गाइस सब लोग रेडी हो गए हैं और देखो अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, एक एक्सेंट है, फिर एक यहाँ पे थार आएगी, फिर एक यहाँ पे एक वो गाड़ी आएगी जो बुक करा रखी है, गाड़ी गाड़ी आ जाएंगी, ये पूरा भर देंगे गाड़ियों से, ये बुलेट भी है और दो स्कूटी भी है और एक साइकिल भी है। हाँ खोल रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी गंदी है, अभी साफ हो जाएगी सुबह, बैठ ले अंदर कर देगी। चलो बैठो बैठो, तो गाइस हम लोग पहुंच गए वेगस मॉल और गाड़ी पार्क कर दी वही पीछे और अभी सब लोग उतर के चलते हैं, हमने जर्सी मूवी देखनी है शाहिद कपूर की,
तो चलो देखते हैं कैसी है जर्सी मूवी। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, फालतू में पीछे बैठी, जब यहाँ पे स्पेस था तो बैठने का। एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना भाई। ये बंद कर रखी है, ये इसलिए बंद कर रखी है क्योंकि सारी स्टोर बंद हो चुकी है मॉल की, सिर्फ मूवी देखने वाले आते हैं रात को 11:30-12:00। मूवी देखने आएंगे उस वाले बंद कर देंगे। तो अब क्या पता, दिन में तो चलती होंगी, दिन में सारी स्टोर खुली होती है ना, वाले फ्लोर का चल रहा होगा ना मूवी वाले का। देखते हैं। ये देखो भाई पूरा मॉल बंद पड़ा है, सारी स्टोर बंद हो चुकी है, लेकिन हम लोग मूवी देखने आए हैं। घिसड़ के ना रगड़ती हुई जाएगी, रगड़ती हुई जाएगी, मुंह छिल जाए, मुंह तो नहीं छिलेगा, खैर चिकना है फर्श, मुंह भी चिकना हो जाएगा। चिनू घोड़े पे बैठ जाओ, उस पर हाँ नहीं बैठ नहीं सकते, पागल है बैठ नहीं सकते, शोपीस है ये। ₹80 की तो भाई हमने ये सब ले लिया, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, और ये 1 लीटर भी नहीं, 1 लीटर से कम है। हाँ तो इतने की आती पीवीआर में, पता है मुझे। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं अपना जर्सी का शो देखने, और ये लोग जब से डिस्कस करते आ रहे हैं, ये 500 का है, ये 300 का है, इतने की आती है थिएटर में, 10 नंबर है ना हमारा। चलो ये देखो भाई जर्सी मूवी देखने आए, और पूरा थिएटर खाली पड़ा है, बस हम 5 लोग आए हैं। अभी एड चल रहा है, हीरोपंती नहीं है ये, एड चल रहा है उसका, पूरा थिएटर खाली पड़ा है, पूरा एक बंदा बैठा है बेचारा। उनके बीच माहौल गर्मा रहा है, फ्लेजिंग से अर्जुन का फोकस बिगाड़ने की कोशिश। देखना होगा व्हीलर के पास अब क्या गेम प्लान है। तो गाइज हमने जर्सी मूवी देख ली है भाई, हमें तो बहुत मस्त लगी, बहुत अच्छी थी। कैसी कैसी लगी? अच्छी लगी, जुकाम हो गया। भाई मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर जर्सी मूवी को, बिल्कुल 10 में से 10। भाई KGF और RR वगैरह जैसी मूवी तो काफी चल जाती है, ठीक है, बट ये वाली मूवी सच में बहुत बहुत मस्त थी, मज़ा आया भाई देख के। तो अभी जा रहे हैं वापस घर पे, घर पे छोड़ के आप लोगों को मैं वापस जाऊंगा गुड़गांव। हाँ किधर से आपको घर छोड़ के गुड़गांव जाऊंगा वापस, ये जाके व्लॉग एडिट करना है ना। हाँ मेरा भी कर दिए, आपका भी कर दूंगा, अभी आपको छोड़ूंगा घर पे, फिर गुड़गांव जाऊंगा, मेरे को जाते जाते 4:30 बज जाएंगे सुबह के। तो लैपटॉप तो होगा तेरे पास, नहीं करनी लैपटॉप, वही रख दिया ना मैंने, मैं मेरे को ये थोड़ी था कि इतनी रात हो जाएगी मूवी वगैरह देखने का प्लान बन जाएगा। हाँ। तो इसलिए मैं वहीं छोड़ी आया था। बाय बाय बाय, अभी मैं इनको बाहर रोड पे ही छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं हम पैदल चले जाएंगे, हमें घर का पता है, क्योंकि ये लेट हो जाएगा इसलिए हमने बोल दिया भाई यहीं। हाँ और फिर गाड़ी घुमानी पड़ेगी, मोड़नी पड़ेगी, बाल मत बिगाड़ा कर मेरे भाई। चलो बाय, हीरो के बाल मत बिगाड़ा, बाय बाय। तो गाइस अभी 24/7 से काफी सारी चॉकलेट ले लिया है, सिबू ने मंगाई थी, और आइसक्रीम ले ली है लंदन डेयरी की 4। तो अभी चलते हैं वापस घर पे, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। इंस्टा तेरे लिए नहीं है ये मीठा, तेरे को नहीं खाना, ले सिब्बू ये आइसक्रीम और ये चॉकलेट्स। थैंक यू, चलो वेलकम। इंस्टा के लिए क्यों नहीं लाए, कुछ लाते उसके लिए? इंस्टा के लिए मैं आ गया, कितना लाड लड़ा इसने मेरे आने के बाद, सैड है ये तो। सैड तो देख, खाने का कुछ भी लेके बैठेगी ये, सैड ही होगा। तो इसके लिए भी लाना चाहिए था ना कुछ मेरे बेटे के लिए। कोई नहीं, मैं तुझे कुछ बना के खिलाऊंगी। आज जर्सी मूवी देखी, बहुत मस्त, एक नंबर। अच्छी मूवी तो तुम मुझे कभी दिखाते नहीं हो। क्यों? और लास्ट हमने कौन सी देख दिया? अटैक अच्छी नहीं थी, उसके अलावा KGF देखती अच्छी नहीं थी, नहीं। बता अच्छे हैं। मुझे RRR देखनी थी, वो नहीं। अटैक अच्छी नहीं थी, मुझे अटैक अच्छी लगी। तो सारी मूवीज अच्छी होती है, लेकिन जर्सी मूवी देखी थी वो भी बहुत अच्छी लगी। किसकी थी? शाहिद कपूर की। चल चल लेंगे हम भी देखने, चल लेंगे। Okay. हाँ मैं दोबारा देख लूंगा, इतनी अच्छी थी। कौन और एक्ट्रेस कौन थी? पता नहीं, नाम नहीं पता, कोई नहीं थी, बट मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं मूवी दोबारा देख लूंगा, जैसे
पर मैं दोबारा देख लूंगा, इतनी अच्छी लगी मुझे। आइसक्रीम भाई, अच्छी मूवीज कम चलती है, चॉकलेट। तो गाइस चलो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, अभी ये व्लॉग भी एडिट करना है मेरे को। तो फिर कल सुबह मिलेंगे 10 बजे नए व्लॉग के साथ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।